18 से 44 साल तक के लोगों को लगने वाले कोविड वैक्सीनेशन का शुभारंभ सदर सांसद रवि किशन शुक्ला एवं जिलाधिकारी के विजयन पांडियन के नेतृत्व में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान एम्स में किया गया। इस दौरान कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहल पर 18 साल से लेकर 44 साल के लोगों को लगने वाला कोविड-19 का शुभारम्भ किया गया। इस मौके पर सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा कि एम्स को भी कोविड-19 हॉस्पिटल के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए यहां पर तैयारियां की जा रही हैं। बेडों की व्यवस्था और ऑक्सीजन की सुविधा बढ़ाई जा रही है। सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा कि एम्स को कोविड हॉस्पिटल के रूप में विकसित करने के बाद निश्चित ही मरीजों को सुविधा मिलेगी। उन्होंने लोगों से अपील किया है कि वे कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करें और मास्क अवश्य लगाएं, जिससे कोरोना संक्रमण से निजात पाया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा, that is the only concern I have. But I got to know from our senior staff that there is 170 oxygen facility. 170. So that can, like, ma'am has sanctioned 15, which has saved 70 lives. 15 ventilators, this is 70 लोगों की लाइफ बची। अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि सीएम साहब ने कल मुझे प्रेशराइज किया 3-4 बार भी बोलते कि आपको कैसे भी इसको कर उस वॉर फूड पे आके मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कैसे भी, क्योंकि अब नाम नहीं, बट वहाँ के लेटर है, मैं आप लोगों को कल दे भी सकता हूँ। शायद नाम को फोन भी आया तो नाम ने कल आपको मैसेज किया कि आई लुक इनटू दिस मैटर। बट अभी समय समय एक एक मिनट में एक एक डेथ हो रही है, तभी का समय चल तो अभी इसको कैसे प्रोटेक्ट करना, बिकॉज 60 लाख की आबादी गोरखपुर जनपद अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट, सारा प्रेशर सारा लोड ऑक्सीजन इंजेक्शन बेड बहुत त्राहिमाम है। तो आप लोग इसमें हाउ यू कैन सपोर्ट अस, बिकॉज फ्रॉम दिल्ली देर इज, मैं सैंक्शन लेटर ले आऊंगा, वहां से उनको कल फोन भी आ गया मैम को डॉक्टर हर्षवर्धन जी के ऑफिस से। अब आप लोग बताइए, और उन्होंने एम्स को कन्वर्ट वहां पे रायबरेली तो स्टार्ट भी कर, हम लोग उनके मैम के बिहाव में कौन इसको बात कर सकता है, कौन इस पे या इस बात को उनको कन्वे करके, बट वी हैव टू डू इट। अब ये मीटिंग का मतलब है कि इसको आज शाम तक डिसीजन लेना पड़ेगा, बिकॉज सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। अब समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली हम लोग यहाँ भी बहुत सारी फैकल्टी है, यहाँ पर फैकल्टी कितने अफेक्टेड, बीआरडी में इधर उन लोगों को भी बेड्स नहीं मिला, सोनर लेटर एवरीबडी इज क्यू। अभी हम लोग क्या क्या उसका प्रिपरेशन क्या है, दैट इज अभी हम तो कोरोना का आगे हम जा रहे हैं, नहीं तो कोरोना के पीछे जा रहे हैं। अभी एम्स से हम क्या क्या मदद ले सकते हैं वो बता दीजिए, बिकॉज सीडीओ साहब ने कल पूरा इसका रिसर्च कर लिया कि हमारी चीजें क्या क्या काम यहाँ आ सकती है, फैकल्टी की कुछ मदद मिल जाए, कुछ डॉक्टर्स की मदद मिल जाए, जैसे कुछ चीजें तो कर रहे हैं, जैसे हम लोग वैक्सीनेशन तो चल ही रहा है हमारे यहाँ, और टेस्ट कर रहे हैं, एंटीजन कर रहे हैं, आरटीपीसीआर का भी कुछ नहीं हो पाया है, चला गया एक्सट्रैक्टर परचेज भी हो गया, अगर हम लोग थोड़ा स्पीडन करते तो वी कैन लाइक इंक्रीज द नंबर ऑफ टेस्ट। आप कितने चैम्बर वाले हैं जो यहाँ लगी हुई है, तो अभी हमारे पास आरटीपीसीआर नहीं है, अभी हमारे पास आरटीपीसीआर है नहीं क्या, मतलब हमने आरटीपीसीआर का एक्सपेक्टर नहीं है ना, बिना उसका आरएनए एक्सपेक्टर नहीं, एंटीजन नहीं कर रहे हैं। आरटीपीसीआर का लैब तो होगा आपके पास, हाँ मतलब ऐसे जो जाएगा एक्सपेक्टर आते हैं, हाँ 2 नेट से ज्यादा नहीं करते हैं, और वो भी 4 वाले होता है, 2 वाले होता है, 4 वाले गर्म हो जाता है, खराब हो जाता है। एक्सट्रैक्टर आई थिंक आपको सैंक्शन हो गया है जो आप सपोज टू पिकअप में, तो यहाँ से डिमांड लेटर प्रियदर्शी साहब बता दें किससे, जीएस प्रियदर्शी साहब में नंबर दे रहा हूँ, जिस सेक्रेटरी वहाँ जो हेल्थ है मेडिकल एजुकेशन में नंबर दे रहा हूँ, अब उसी दिन ही हमने इसलिए मैडम से लेटर लेकर के हमने साथियों को भेज दिया, 25 लीटर
बस आपको उठवाने तक के बाकी है। डीएम साहब हैं, हम हैं, सारे अधिकारी हैं साथ में। पहला वैक्सीन का डोज लगा है जो 18 आयु के बाद का था और इसकी शुरुआत शुभारंभ हम लोग एम्स अस्पताल से किए, जिसको कोशिश कर रहे हैं डीएम साहब, हम पूरा प्रशासन मिलकर कि इसको भी कोविड जोन में ले आए। तो वो ख्याल है, तो महाराज जी की भी यही उनका आदेश था कि सब देख रेख में हुआ, प्रयास पूरा है कि ऑक्सीजन से लेकर हर चीज की कमी को पूरा किया जाए, इसीलिए प्रशासन पूरी ताकत लगाया। आप लोग खाली संयम रखें, गांव देहात वालों के लिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, कृपया आप लोग ध्यान दें, आप लोग घर से ना निकले। इस शहर के बाद इसका प्रकोप आएगा, इससे कोई बचा नहीं है, क्योंकि पूरे विश्व में है और कोई तैयार नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आबादी ज्यादा है। गोरखपुर की आबादी 60 लाख है जनपद की, अगल बगल के जिले भी आ रहे हैं, तो आप लोग समझ रहे हैं। तो कृपया हम लोगों का साथ दीजिए, कृपया घर में रहिए, मास्क लगा के रखिए, 2 गज की दूरी से, डॉक्टरों से फोन पर सलाह लें, अगर बुखार है या गले में खराश है, ये सारी कोविड किट वगैरह भी डीएम साहब बता रहे थे कि सबको घर पे काढ़ा से लेके सारी चीजें कोविड की किट भी वहां पर भेजी जा रही, बनवाल साहब हमारे साथ हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहें, खाली हम लोगों का साथ दीजिए, हम लोग तत्पर हैं आप लोगों की सेवा के लिए, आप लोगों के एक एक जीवन की रक्षा के लिए। खाली आप लोग घर पर रहें, हाथ जोड़ करके निवेदन, बात समस्त हमारे जितना गांव देहात के लोग बाढ़, जितना भी लोग बाढ़, मास्क के नाक के ऊपर पहरिया, अपन ध्यान रखा, अपन परिवार का ध्यान रखा, बाल बच्चा का ध्यान रखा, इस समय बहुत कठिन बाटे हो, प्लीज। धन्यवाद।